बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। कैसे मिजाज हैं आप? मेरे बच्चे कैसे हैं सब? हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हैं। अल्लाह पाक आपको सबको सेहत सलामती दे, आमीन सुमा आमीन। आपसे बात करके, आपको जो भी कुछ मैं बताती हूँ उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत सुकून मिलता है, और आपके कमेंट्स जो हैं वो हमारी ताकत में इजाफ़ा करते हैं, हमारे जज्बे में इजाफा करते हैं। आपका बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा जनाब, आज हम आपको एक बहुत मज़े की वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं, और आपको हमारी पुरानी वीडियोस की तरह ये भी अच्छी लगेगी। अभी तक हमने जो है ना, घर आओ घर बसाएं, तो आओ घर बसाएं के ही हम बैनर तले जो है मुख्तलिफ अपनी वीडियोस बनाते रहे, रिश्तों के ऊपर बात करते रहे, सास बहू के रिश्ते पे बात की, नंद के रिश्ते पे बात की, और शौहर के रिश्ते पे बात की। तो आज हमने ये सोचा कि हम बुज़ुर्गों के ऊपर बात करते हैं। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं ना, उनका रिश्ता बहुत अहम है हमारे लिए। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि एक बड़े अच्छी कहानी सुनाएंगे एक ऐसे ख़ानदान की जहाँ पे के बुज़ुर्गों की कितनी इज्जत की जाती है, कितनी पज़ीराई होती है, और उनसे कितनी मोहब्बत और अकीदत रखी जाती है। तो सबीहा कैसर मेरी दोस्त हैं, हम कोई 25-30 साल से एक दूसरे को जानते हैं और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनके बहन भाइयों में बेहद इत्तेफाक है, बेहद मोहब्बत है, और वो सब अपनी खुशियाँ, अपने दुख सुख सब एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो उनके वालदैन जो थे, मैं उनसे मिली हूँ, और उनकी वालदा से मेरी बहुत नस्बत थी, मुझे बहुत मोहब्बत थी उनसे, क्योंकि वो बहुत अच्छी खातून थीं, उनसे मिलके बहुत खुशी होती थी। तो पहले तो दोनों माँ बाप सबीहा के घर में रहते थे, क्योंकि सबीहा के शौहर का इंतकाल हो गया था और सबीहा के बच्चे छोटे थे, तो वो वालदैन जो थे वो सबीहा के सरपरस्त हो गए, और वो बच्चों की देखभाल और तरबियत में उनका बहुत किरदार रहा। फिर वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो सबीहा के पास उनकी वालदा रहने लगी, लेकिन फिर उसके बाद जो है सबीहा के यहाँ से उनके बड़े बेटे जो हैं वो अपने घर ले गए। अब उनके माशाल्लाह कई बेटे और कई बेटियां हैं, यानी सबीहा कई बहन भाई हैं। तो फारूक भाई जो है वो सबसे बड़े भाई हैं। फारूक भाई का घर जो है वो इतना बड़ा घर नहीं है, उसमें पहली मंजिल के ऊपर तो दो बेटे और उनकी फैमिलीज रहती हैं अपने बच्चों के साथ। जो ग्राउंड फ्लोर पे है वो फारूक भाई भाभी का कमरा है, एक डाइनिंग रूम है, और एक छोटा सा लाउंज है किचन के अलावा, जहाँ पे के सबका आना जाना रहता है। अब अम्मी के लिए जगह कहाँ बची, आपको हैरत होगी और हैरत के साथ खुशी भी होगी आपको कि उनके जो सीढ़ियों के नीचे जो जगह होती है ना, सीढ़ियाँ जब नीचे उतरते हैं तो एक नीचे जगह होती है, गैप होता है, तो वहाँ पे अम्मी का पलंग डला हुआ था। सबीहा की अम्मी का पलंग वहाँ डला हुआ था, और वहीं उनका सामान छोटा सा अटैची केस सब वो रहता था। तो आप ये मत समझिए कि उनको एक कोने में डाल दिया था, बल्कि वो जगह सबकी तवज्जो का मरकज थी। जो भी होता था वहीं जाता था, हम सब जाते थे और अम्मी के पास वहीं बैठते थे, वहीं गपशप हो रही है, वहीं पे सब बातें हो रही हैं। और फारूक भाई की बीवी जो मुमताज़ भाभी हैं, वो उनके साथ क्या नाम है लूडो भी खेल रही हैं, और मज़े मज़े की कहानियाँ और लतीफ़े भी हो रहे हैं, घूमने फिरने भी जा रहे हैं, सब हो रहे हैं। और वो एरिया जो था वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सजाया हुआ था, कि ये नहीं लगता था कि ये कोई बेकार सी जगह है जहाँ पे के वालदा को डाल दिया गया है। तो ये किसी के जहन में नहीं आता था कि ये बेकार कोना है, बहुत अच्छे से उनको रखा जाता था। और बाकी बेटों के घर, बेटियों के घर अम्मी जाती थी, रहती भी थी, लेकिन वो बड़े बड़े घरों में, और माशाल्लाह सब बहुत खुशहाल हैं, लेकिन अम्मी को जो आराम मिलता था वो कहाँ मिलता था, वो उसी सीढ़ियों के नीचे जो उनकी जगह मख्तस थी वहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा आराम मिलता था और सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। और वो उन्होंने अपने बेटे से, फारूक भाई से ये कहा था कि देखो तुम मेरे बड़े बेटे हो और मैं तुम्हारे ही पास रहूँगी, मुझे बांटना नहीं,
कि कभी एक बेटे के घर, कभी दूसरे के घर, कभी तीसरे के घर, ये मेरा हेडक्वार्टर है, मैं यहीं रहूंगी और यहीं से तुम्हारे घर से ही मेरा जनाजा जाएगा। ये उन्होंने तय कर लिया था और फारूक भाई ने भी और सब बहन भाइयों ने भी ये बात मान ली थी कि ठीक है अम्मी, जहाँ जहाँ अम्मी को ज़्यादा आराम मिलता है, अम्मी जहाँ खुश रहें वही अच्छा है। सब आते थे, मिलते थे, जाते थे, सब में ऐसा कुछ नहीं था कि कोई मिलना नहीं, जुलना नहीं, या अम्मी किसी से नाराज़ थी, ऐसा नहीं था। मैं भी जाती थी वहीं पे, उनसे मुलाकात होती थी और बहुत अच्छे हम लोग, हमारे मरासिम बिल्कुल एक ख़ानदान के जैसे थे। एक दिन वो लूडो खेल रही थी अपनी बहू यानी मुमताज़ भाभी के साथ कि अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उनको वो हेमरेज हो गया, क्या फालिज हो गया, फालिज का अटैक हो गया। और इलाज होते होते उसके बाद में वो क्या हुआ, कोमा में चली गई। कोमा में चली गई तो अब जाहिर है कोमा में तो कुछ पता नहीं होता कि कब वापस आएंगे, कब क्या होगा। तो वो उसी घर में अपने जो ड्राइंग रूम था वहाँ पे उनका कमरा कर दिया था, वहीं वो फिजियोथेरेपिस्ट आता था, वहीं सब कुछ होता था। तो काफ़ी दिन हो गए थे उनको कोमा में गए हुए। तो एक दिन मैं गई उनके घर और यकीन कीजिए कि अम्मी कोमा में थी और वहाँ उस कमरे में सब मौजूद थे, भाभी भी थी, सबीहा भी थी और वो फिजियोथेरेपिस्ट भी जो है वो था वहाँ पे और एक दो बच्चे और भी थे। तो मैं गई और मैंने कहा कि अम्मी सलाम अलैकुम। आप यकीन कीजिए कि अम्मी जो कोमा में बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी और उनको कुछ पता नहीं था कि दाएं बाएं क्या हो रहा है, यानी ऐसा लगता है कि नॉन एग्जिस्टेंट, जैसे उनका वजूद नहीं है, लेकिन जब मैंने उनको सलाम किया है तो उन्होंने, आंखें उनकी बंद हैं, उन्होंने इस तरह करके धीरे से, बिल्कुल धीरे से, गैर महसूस तरीके से उन्होंने मेरी तरफ गर्दन मोड़ी, मुस्कुराई, उसी आहिस्तगी से उनकी गर्दन वापस आई और उसके बाद फिर वो अपना कोमा में चली गई। तो ये सब इस चीज़ के गवाह हैं, सबने इसको देखा है। तो ये देखिए, मोहब्बतों के जो रिश्ते होते हैं वो बड़े मजबूत होते हैं, बड़े गहरे होते हैं, बड़े देर पा होते हैं। तो हमारा जो आज का पैगाम है वो यही है कि मोहब्बत कीजिए, बुज़ुर्गों को इज़्ज़त और मोहब्बत ही चाहिए होती है, वो चाहे लड़के के वालदैन हो या लड़की के वालदैन हो, उनको इस उम्र में, बुज़ुर्गी में, जब वो उनके अज़ा और क़वा जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनको मोहब्बत के दो बोल जो हैं वो ज़िंदगी अता करते हैं। तो मेरी जो है आप लोगों से ये इल्तिजा है कि अपने बुज़ुर्गों की बहुत इज़्ज़त कीजिए, बहुत मोहब्बत कीजिए, दुआएं मिलेंगी और दर्जात बुलंद होंगे आपके। हम सबको अल्लाह ताला हिदायत दे और मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएँ आपके लिए। सलामत रहिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए।